ग्वालियर में रामलीला समारोह समिति की ओर से प्रभु लीला का मंचन आगामी 14 अक्टूबर से फूलबाग मैदान में होगा। यह रामलीला का 77वां साल है। इस बार भी राम केवट संवाद का स्थान बेजा ताल पर रखा गया है। कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जबकि पूर्व विधायक रमेश अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम के संयोजक में हिस्सा ले रहे। बता दें कि 24 अक्टूबर को दशहरा फूल बाग मैदान में रावण मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाएगा। 14 अक्टूबर को शाम 4 बजे सुंदरकांड में रामलीला का शुभारंभ किया जाएगा। सबसे पहले श्री रामलीला समारोह समिति ग्वालियर के अध्यक्ष महोदय, हमारा स्वागत अध्यक्ष महोदय और सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारा प्रचार प्रसार पूर्ण रूप से करेंगे ताकि रामलीला का संचालन ठीक से हो सके। आचार संहिता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो हमें प्रतिबंधित किया गया है उस प्रतिबंध को पालन किया जाएगा। 14 अक्टूबर से रामलीला का शुभारम्भ होगा। संत कृपाल सिंह जी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और 24 तारीख को दशहरे का राम मेघनाथ रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। हमने जैसा कि बताया, पुतलों का दहन हम बगल में फूलबाग मैदान पर करेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए।